नहीं मैंने रियलिटी शोज़ किया है 2009 में नाइन के लिए टिकट टू बॉलीवुड एक दो कदम हमराम भी बोल गया और नजबलिया आई वॉज रनर्स ऑफ इन टू थाउजेंड नाइन और टेन मैं आया ही एक रियलिटी शो से था जी सिने स्टार के खोच बट हाँ बीच में आई वॉज नॉट डूइंग पॉपुलर शोज सो आई वाज नॉट अप्रोच्ड फॉर रियालिटी शोज बट विद दिस कलर्स क्या पता खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस ज़्यादा दूर नहीं है <laughs> एंड आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगता है बिग बॉस ऑफ पीपल थिंक कि मैं आई वुड नॉट डू सो वेल इन बिग बॉस बिकॉज मैं ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हूँ बट आई माइट जस्ट सरप्राइज दैम और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ uh, हमारे शो का नाम है मंगल लक्ष्मी दीपिका है इसमें एक और लड़की है दीपिका इज़ प्लेइंग मंगल एंड सनिका इज़ प्लेइंग लक्ष्मी बहुत ही अच्छा शो है इट्स अ रीमेक ऑफ अ कन्नड़ शो जो साउथ में बहुत सक्सेसफुल हो रहा है तो बहुत होप है हमारे इस शो से कलर्स uh, को बहुत होप है इस शो से एंड इट्स एन आउट एंड आउट ड्रामा जो हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आता है सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी बैक ऑन टीवी जी शूटिंग हमारी शुरू हो चुकी है इनफैक्ट हम दिल्ली uh, में भी अपना फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारी बॉम्बे में शूटिंग शुरू है फर्स्ट टाइम uh, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ बिकॉज आज तक मैंने हमेशा वो गुड बॉय श्रवण कुमार माँ बाप का आइडल बेटा था इसमें मेरा कैरेक्टर एकदम एक एंटी एक हीरो है इट्स अ ग्रे कैरेक्टर ग्रे बट वेरी रिलेटेबल एंड रियल बिकॉज आम इंसान ऐसे ही होते हैं एंड बिकॉज uh, ये बहुत डिफरेंट है तो मेरे लिए एज एन एक्टर एक आई वुड से आई वोट टू टेस्ट माई सेल्फ ऑल्सो कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं Uh, बहुत चैलेंजिंग रोल है बिकॉज बहुत लेयर्स है जनरली आप पॉजिटिव करते हो तो आप बस पॉजिटिव हो बट एक रियल कैरेक्टर एक ग्रे कैरेक्टर जब आप करते हो तो हर इंसान के साथ शो में इसका एक डिफरेंट रिलेशनशिप है तो निभाने में बहुत मज़ा आ रहा है एंड uh, तैयारी के कहें तो मतलब uh, तैयारी मतलब जैसे ही मुझे ये शो मिला था तो बिकॉज ये अपनी वाइफ से थोड़ा परेशान रहता है ही इज स्टिल अपसेट बिकॉज ही वॉज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द मैरिज तो एक दो बार उन्होंने मुझे ऐसे घूर कर देखा तो मैंने बोला नहीं नहीं ये एक्टिंग मैं सेट पर ही रखता हूँ घर पे नहीं ट्राई करता हूँ बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कम बैक एंड आज टाइम्स चेंज हो चुकी है आ, लोग आपको जज नहीं करते कि आप पॉजिटिव कर रहे हो या नेगेटिव कर रहे हो अग्रे शेड कर रहे हो आ, अगर इट्स एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन अ शो विच इज़ वेरी गुड वन शुड डू इट इट्स बीन ग्रेट मतलब 2005 में आया था मैं बॉम्बे एक रियालिटी शोज हिने स्टार के कोच के थ्रू द इन आइडेड कसम से क्योंकि कसॉट ई बी पार्ट ऑफ ऑल द टॉप शोज रियलिटी शोज नज बलिए टिकट टू बॉलीवुड तो बहुत अच्छा रहा है सफ़र अप्स एंड डाउनस रहे हैं एंड बट आई एम हैप्पी कि आप इस इंडस्ट्री के पार्ट हो और आप अबीन देर मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से छोड़ चला गया इन बीच अभी मैंने लास्ट सिक्स ईयर्स में प्रोडक्शन हाउस अपना शुरू किया हमने ओ के लिए शोज़ भी बनाए बिकॉज एज एन एक्टर हम कैमरा के सामने रहते हैं पर कैमरा के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मुझे ट्राई करना था सो वी प्रोड्यूस शोज़ लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स वट हैपन्स बिहाइंड द कैमरा प्रोड्यूसर को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं अब हमें समझ में आया है तो इट्स बीन गुड बिकॉज एज एन एक्टर हमारा प्रोफेशन बहुत ही इनसिक्योर रहता है बट नाउ बिकॉज आई हैव माई ओन प्रोडक्शन हाउस लाइन प्रोडक्शन कंपनी आई फील मच मोर सिक्योर एंड मजा आता है आई मीन इस इंडस्ट्री से जुड़े रहना है मुझे मतलब चाहे एक्टर हो प्रोड्यूसर हो एनी थिंग क्रिएटिव आई लव फिल्म मेकिंग सो आई एम वेरी हैप्पी नहीं मैंने रियलिटी शोज़ किया है 2009 में नाइन के लिए टिकट टू बॉलीवुड एक दो कदम राम भी भूल गया और नजबलिए आई वॉज रनर्स अपन टू थाउजेंड और टेन मैं आया ही एक रियलिटी शो से था जी सी स्टार के खोच बट हाँ बीच में आई वॉज नॉट डूइंग पॉपुलर शोज सो आई वॉज नॉट अप्रोच्ड फॉर रियलिटी शोज़ बट विद कलर्स क्या पता खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस ज़्यादा दूर नहीं है एल आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगता है बिग बॉस लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैं आई वुड नॉट डू सो वेल इन बिग बॉस बिकॉज मैं ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हूँ बट आई माइट जस्ट सरप्राइज दैम यही है कि वेब सीरीज लिमिटेड टाइम के लिए रहता है तो आपको प्रेप करने का मौका मिलता है एज एन एक्टर डेली शो में हमारा एकदम uh, तुरंत तुरंत चीज़ें आती हैं मतलब अभी आई स्क्रिप्ट है ना आपको जिस अभी परफॉर्म करना है सो दैट्स द मेजर डिफरेंस प्रेप टाइम आपको वेब सीरीज़ में ज़्यादा मिलता है कैरेक्टर्स ज़्यादा अलग तरीके से प्ले करने को मिलता है सीरियल uh, में हमारे क्या है आपका एक कैरेक्टर है आप उसी में फंसे हो उतने ही टाइम में आप अगर दो तीन वेब शोज करते हो तो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलता है सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बट आई फील टीवी इज़ मच मोर सिक्योर आपका रेगुलर काम रहता है द मनी इज़ कमिंग इन सो दैट यही डिफरेंस है मतलब आई एम प्रोड्यूसिंग कपल ऑफ शोज वही कर सकता हूँ एक्टिंग में राइट नाउ इज़ जस्ट मंगल लक्ष्मी मंगल लक्ष्मी मंगल लक्ष्मी एंड आई थिंक इट्स अ सेवन डे टेलीकास्ट तो हमें मौका ही नहीं मिलेगा कुछ और करने का एंड uh, इलिए भी सारा कॉन्सेंट्रेशन सारा फोकस इज ओनली ऑन दिस शो एंड आई जस्ट वॉन्ट दिस शो टू डू वेल एंड uh, हमारी पूरी मतलब ही, बहुत मजा आ रहा है काम करने, के, uh, करने में दो सेपरेट फैमिलीज हैं इस शो में uh, एक मेच्योर कपल है एक थोड़ा यंग कपल है सो इट्स फॉर एवरीबडी एंड वेरी गुड शो away